अब इसे दीवार पे कैसे चिपकाना है एक बार फिर से बताओ। इसको लेकर आप जोर से दीवार पर मार दीजिए, चिपक जाएगा। एक बार ठीक से बता दो ना। इसको लेकर जोर से मारिए। अरे वाह, ये तो चिपक गया। हमें तो ये बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये तो कितना आसान है। कुछ काम शायद अकेले नहीं, किसी के साथ करो ना तो आसानी से हो जाते हैं, है ना? एक और बनाते हैं। साड़ी। साड़ी? और फेवरेट कलर? फेवरेट कलर हरा। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में गरम गरम दाल चावल। आपको ज्वेलरी पसंद है? कौन सी? कानों के झुमके और हार। आपको इतनी ज्वेलरी पसंद है तो आपने उस दिन वो औरत को क्यों दे दी? अच्छी नहीं थी क्या? मैं तो मेरा सामान किसी को भी ना दूं। कभी कभी बात सिर्फ खुद को अच्छा लगने की या पसंद होने की नहीं होती है राधिका। किसी दूसरे इंसान की फिक्र या उससे प्यार इंसान से बहुत कुछ करवाता है। और उस औरत को उन गहनों की जरूरत हमसे कहीं ज्यादा थी, और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी वो उन गहनों से बहुत कीमती है हमारे लिए। इसका मतलब अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो हमें उसे गिफ्ट देना चाहिए। हाँ, ये भी एक तरीका होता है अपनापन जताने का। आपको कितने सारे गिफ्ट मिले? एक भी नहीं। क्यों? आपको कोई प्यार नहीं करता? भोलेपन में बच्चे कभी कभी बिल्कुल सही बात कह देते हैं, है ना भाई साहब? लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? खर तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।